हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर ऑल आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर फोर तीन चैप्टर हम पहले कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए चलिए फिर हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमारा फोर्थ चैप्टर है सेल।, सेल, तो सेल, सेल क्या है, एक बेसिक है और फंक्शन है किसका लाइफ का सेल क्या है बेसिक और फंक्शन है लाइफ का। सेल को वर्ड का नाम किसने दिया था रोबोट हुक ने दिया था 1665 में दिया था स्मॉलेस्ट सेल हमारा कौन सा है माइक्रोप्लाज्म गैलिस्पेक्टम लॉन्गेस्ट सेल जो है न्यूरोन है हमारा नर्वस सिस्टम जो है लॉन्गेस्ट सेल है बिगेस्ट बिगेस्ट सेल कौन सा है एग ऑफ ऑस्ट्रिच का एग है और श्वान और सेल सेल्डन श्वान और सेल्डन ने सेल थ्योरी को स्टैब्लिश किया था 1838 से लेकर 39 के बीच में तो ये हुआ सेल सेल के बारे में हमारा इंट्रोडक्शन एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं सेल सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल क्या है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन है यूनिट है लाइफ का सेल वर्ड गिवन बाय रोबोट हुक इन 1665 सिक्सटी फाइव सेल वर्ड जो है वो किसने दिया रोबोट हुक ने दिया 1665 में स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्म गैलिस्पेक्टम जो हमारा स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्म है गैलिस्पेक्टम माइकोप्लाज्म गैलस्पेक्टम लॉन्गेस्ट सेल इज न्यूरोन न्यूरोन या नर्वस सिस्टम तो लॉन्गेस्ट सेल क्या है हमारा न्यूरोन है बिगेस्ट सेल इज़ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो ऑस्ट्रिच का अंडा है वो बिगेस्ट सेल है और सेलिडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी को स्टैब्लिश किया था कितने एटीन थर्टी से थर्टी नाइन के बीच में मेन फीचर ऑफ द सेल थ्योरी अब सेल थ्योरी का मेन फीचर क्या है तो देखिए ऑल ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ऑफ़ सेल सारा जो ऑर्गेनिज्म होता है किससे बनता है सेल से ही बनता है ए सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हमने पहले पढ़ा सेल क्या है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्राम सिंगल सेल मतलब जो जो भी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होता है एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होता है ईच सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल अब जो भी सारे जो सेल हैं वो पहले के सेल से आगे फिर उसी से बनते हैं तो ये हो गया हमारा फीचर अब कुछ पॉइंट्स हैं सेल के बारे में वो पढ़ लेते हैं इन माइक्रोस्कोप क्रॉक स्लाइस अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये क्रॉक स्लाइस का दिखता है क्रॉक स्लाइस जैसा दिखता है जो हमारा सेल है कैसा दिखता है क्रॉक स्लाइस जैसा दिखता है और इसके स्ट्रक्चर जो इसका स्ट्रक्चर बन के दिखता है उसको कैसे बोलते हैं हनी लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको सेलोज मीन्स स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट अब सेलुलोज क्या है स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट सेल का जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं सेलुलोज बोलते हैं इन 1831, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और 1674 में एंटोनी वैन ने क्या किया था फ्री लिविंग बैक्टीरिया सेल को डिस्कवर किया था जे प्रूकुंजी क्या जेप्रुकन्जी का क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म इन फिजिकल बेस ऑफ लाइफ के ऊपर जेप्रुकुंजी ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया रूडोल्फ वर्चू 1855 में मोडिफाई किया सेल थ्योरी को जो सेल थ्योरी पहले बनी हुई थी उसको दोबारा मोडिफाई किया था विच नेम इज़ ओमिनो से उसका नाम क्या रखा इन्होंने ओमिनो उमाइन सेलुलोए रखा नाम इन 1940 फोर्टी कैलन एंड रुस्क फ्रॉम यूएसए इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब 1940 में कैलन और रुस्का ने यूएसए में जो थे उन्होंने क्या इन्वेंट किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया नेक्स्ट आगे चलते हैं हम सेल कितने टाइप के होते हैं तो सेल क्या दो टाइप के सेल होते हैं सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स प्रोकारियोटिक सेल और यू सेल तो हम एक एक करके इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं प्रो सेल प्रोकारोटिक सेल क्या होता है र प्रिमिटिव सेल हैविंग थ्री बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल बट लैक न्यूक्लियर मैम्बरेन तीन क्या है प्रिमिटिव सेल है ये और क्या है तीन बेसिक स्ट्रक्चर भी है लेकिन न्यूक्लियर मैम्बरेन लैक होता है मतलब नहीं होता है इसमें न्यूक्लियर मटीरियल इज प्रेजेंट इन अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कोल्ड न्यूक्लियर न्यूक्लियोइड न्यूक्लियर मटेरियल जो है प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में तो उसको क्या बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट सच एज माइट्रोकोन्ड्रिया राइबोसोम गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा और कुछ मेम्ब्रेन जो है बांध के रखते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं इसमें माइट्रोकोन्ड्रिया एप्सेंट होता है राइबोसोम एप्सेंट होता है और गोल्जी बॉडी एप्सेंट होता है एग्जाम्पल क्या है प्रोकारियोटिक सेल के वायरस हो गया बैक्टीरिया हो गया साइनोबैक्टीरिया हो गया ये सारे क्या है प्रोकारियोटिक सेल हैं अब सेकेंड है यू कार्योटिक सेल यू कार्योटिक सेल क्या होता है दीज आर कंप्लीट सेल विच कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस मतलब इसमें क्या होता है पूरा एक कंप्लीट सेल होता है और क्या मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन से बंधा हुआ होता है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है प्रोकारियोटिक सेल में क्या था न्यूक्लियस एबसेंट था इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूनि एंड मल्टी दोनों इसमें आते हैं यूनि भी आएंगे मल्टी भी आएंगे प्लांट एंड एनिमल हैव यू सेल और प्लांट और एनिमल क्या है हमारे यू सेल में आते हैं अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकारियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस तो साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल के जो साइज होता है सेल का साइज वो क्या होगा हमेशा स्मॉल होगा और साइज ऑफ सेल जनरली लार्ज इस यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होगा वो सेल का हमेशा लार्ज होगा न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है न्यूक्लियस प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है यू सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इट कंटेन्स सिंगल सेल ऑर्गेन आर एब्सेंट इसमें जो सिंगल सेल ऑर्गेन होता है वो एब्सेंट होता है इट कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम। इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं यू सेल में क्या होता है एक से ज़्यादा क्रोमोजोम होते हैं सेल डिविजन टेक प्लेस बाई फीजन एंड बॉडी प्रोकार्योटिक सेल में सेल डिवीजन कैसे होता है फ्यूजन के द्वारा होता है या बर्डिंग के द्वारा होता है सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय माइटोसिस एंड म्योसिस अब यू सेल में कैसे होता है माइटोसिस होगा या म्योसिस होगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंस। मेम्ब्रेन को बांधने वाले जो सेल ऑर्गनल्स होते हैं वो प्रोकारियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं सेल ऑर्गनल्स प्रेजेंट होते हैं यू सेल में क्या होते हैं सेल प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल अब सेल का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है तो मतलब क्या क्या होता है उसमें पहला वॉल होगा दूसरा सेल मेम्ब्रेन होगा तीसरा प्रोटोप्लाज्म होगा चौथा माइक्रोकोन्ड्रिया होगा पांचवा गोल्जी बॉडी होगी छठा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा सेवेंथ राइबोसोम होगा एट्थ लाइसोसोम होगा नाइन्थ सेंट्रोसोम होगा टेंथ प्लाजमिड होगा इलेवेंथ वैक्यूल होगा ट्वेल्थ न्यूक्लियस होगा ठीक है तो ये इन सब को मिलके पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है सेल का तो अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं एक बारी सेल वॉल पहला क्या है सेल वॉल है सेल वॉल क्या होता है इन प्लांट सेल देयर इज अ रिजिड सेल वॉल विच इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल सेल वॉल क्या है रिजिड होता है और नॉन लिविंग में होता है और फ्रीली परमिएबल होता है प्लांट सेल में इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड साइटिन किस चीज का बना होता है सेलुलोज और साइटिन का बना होता है सेल वॉल इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी ऑफ सेल अब क्या ये प्रोवाइड करता है शेप देता है शेप देगा सेल सेल uh, का शेप देता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेकंड है हमारा सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन क्या है सेल में इट इज आल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं एनिमल सेल के आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे इन प्लांट सेल इट इज फाउंड विद इन सेल वॉल मतलब जो सेल प्लांट सेल में क्या है सेल वॉल पहले होगा और फिर बाद में सेल मेम्ब्रेन होगा इट इज थिन इलास्टिक लिविंग डबल लेयर परमिएबल मेम्ब्रेन कैसा होता है ये थिन होगा मतलब थोड़ा पतला होगा इलास्टिक होगा मतलब खिंचाव होगा लिविंग जिंदा होगा डबल लेयर होगा दो लेयर से बना होगा और परमिएबल मेम्ब्रेन होगा इट इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स किससे बना होता है सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बना होता है फंक्शन अब इसका काम क्या होता है इट रेगुलेट मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल मतलब मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं अंदर और बाहर के सेल में उसको ये रेगुलेट करता है थर्ड है हमारा प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म तो प्रोटोप्लाज्म क्या है द होल फ्लूड प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म क्या है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी फ्लूड जो हैं प्रेजेंट हैं उसको क्या बोलेंगे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं द नेम प्रोटोप्लाज्म इज गिवन बाय पुरकिंजे एटीन नाइनटी एटीन अब प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया था पुरकिंजे ने दिया था 1839 में प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वेरियस सब्सटेंस लाइक वाटर आयन, सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अब क्या है प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे क्या हैं सबस्टांस हैं कैसे सब्सटेंस जैसे वाटर हो गया पानी हो गया आयन्स भी हो गया साल्ट हो गया और कुछ और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं इट इज़ अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल क्या है ये सेल का क्या है लिविंग पार्ट है लिविंग है नॉन लिविंग नहीं living है लिविंग पार्ट है प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट अब प्रोटोप्लाज्म को भी कितने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं द फ्लूड फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब जो फ्लूड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो पाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं और न्यूकोप्लाज्म किसको बोलते हैं द फ्लूड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूड पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम न्यूक्लियो बोलते हैं फोर्थ है हमारा माइट्रोकोन्ड्रिया माइट्रोकोन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था एल्टमैन ने किया था एटीन में किया था ठीक है अब दीज आर सिलेंड्रिकल रोड शेप्ड एंड स्पे स्पेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज अब क्या है ये कैसे टाइप के होते हैं सिलेंड्रिकल होता है रोड शेप्ड होता है और स्पेरिकल शेप्ड होता है अब इट इज सराउंडेड बाई डबल लेयर मैम्ब्रेन इसमें क्या है डबल लेयर मैम्ब्रेन है डबल लेयर है इनर मेमब्रेन हैज़ फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन क्या है फोल्डेड मेम्ब्रेन है तो उसको क्या बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं क्रिस्ट और द फ्लूड प्रेजेंट इनसाइड साइड माइट्रोकोन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स और जो फ्लूड प्रेजेंट होता है माइट्रोकोन्ड्रिया के अंदर उसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं विच कंटेन मैनी एंजाइम्स एंड को एनजाइम्स वो क्या कंटेन करते हैं एंजाइम्स और कोन्जाइम्स बहुत सारे एंजाइम्स और कोंजाइम्स को कंटेन करके रखते हैं फंक्शन क्या होता है इसका एनर्जी एनर्जी प्रोवाइड करना माइक्रोकोन्ट्रिया सिंथेसिस एनर्जी रिच कंपाउंड ये क्या है एनर्जी रिच कंपाउंड है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल इसको क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं फिफ्थ है हमारा गोल्जी बॉडी गोल्जी बॉडी को कि, किसने डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स वैसल्स एंड वेक्यूल्स तो किस चीज़ से बना होता है ये ट्यूब्स वेसल्स और वेक्यूल्स से बना होता है इन प्लांट इट इज़ मोर इन नंबर एंड हीयर इन नोन एज डाई डाइकोसोम अगर मतलब इनका जो प्लांट में क्या है ये बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं मतलब इनका नंबर ज़्यादा होता है तो इसको क्या बोलते हैं डाइकोसोम बोलेंगे फंक्शन क्या होता है इनका इट वर्क एज स्टोरेज कैसे स्टोरेज के रूप में काम करता है प्रोसेसिंग के रूप में और पैकेजिंग ऑफ मटेरियल के रूप में काम करता है ये गोल्जी बॉडी इट आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम और क्या करता है ये इनको भी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम को भी इन्वॉल्व कर लेता है अपने इन काम में सिक्स पढ़ लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब नेटवर्क है ट्यूबुल्स नेटवर्क लाइक मेम्ब्रेनस क्या है ट्यूब्यूल्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाएगा और कहाँ पे साइटोप्लाज्म पाया जाता है तो इसको क्या बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे इट इज़ अटैच विद अ न्यूक्लियस ऑन वन साइड एंड वन अनदर साइड इट जॉइंड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ अटैच विद द न्यूक्लियस ऑन वन साइड एंड अदर साइड जॉइंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसके क्या होता है एक साइड क्या होता है न्यूक्लियस के साथ ये होता है और दूसरे साइड क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है काम क्या होता है इसका इट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटने में हेल्प करता है ये इट फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल। ये सपोर्ट भी करता है किसको सेल को सेल के फ्रेमवर्क को सेवेंथ है लाइसोसोम लाइसोसोम को किसने डिस्कवर किया बेड्यूब ने अब ये क्या है दीज आर लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन हाइड्रोलिक एंजाइम अब क्या है ये लाइक स्ट्रक्चर -like होता है बाउंड सिंगल एक ही मेम्ब्रेन के साथ ये बंधा हुआ होता है और क्या कंटेन हाइड्रोलिक एंजाइम को कंटेन करके रखता है फंक्शन क्या है इट हेल्प इन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन किस में हेल्प करता है इंट्रा डाइजेशन में हेल्प करता है द एंजाइम द एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम में डाइजेस्ट द एंटायर सेल सो इट इज नोन एज सुसाइडल बैग अब क्या है लाइसोसोम डाइज एंटायर सारे सेल को डाइजेस्ट करने के बाद क्या हो जाता है खुद मतलब डेड हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं सुसाइडल सेल भी बोलते हैं सुसाइडल बैग भी बोलते हैं बै, बैग बोलते हैं सुसाइडल बैग राइबोसोम राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया था प्लेड ने राइबोसोम क्या होता है स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड अच्छे अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इन फ्री स्टेट अब क्या है स्मॉल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका और किसके साथ अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और फ्री स्ट्रक्चर फ्री भी हो जाता है फ्री स्टेट में भी हो सकता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच uh, भी हो सकता है इट इज मेड ऑफ ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है ये आर से बना होता है काम क्या करता है फंक्शन क्या है इसका टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम है इसका नाइन्थ है हमारा सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम को किसने डिस्कवर किया था बोवरी बोवरी नाम है इनका बोवरी बोवरी ने डिस्कवर किया था इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन अ एनिमल सेल सेंट्रोसोम कहाँ मिलता है एनिमल सेल में मिलता है इट इज़ नॉन बाउंडेड बाई मेम्ब्रेन, कंजिस्ट ऑफ टू सेंट्रोयल कहाँ पे होता है ये बाउंडेड मेम्ब्रेन में नहीं होता है कंजिस्ट ऑफ टू सेंट्रोयल टू सेंट्रोयल है वो होता है बाउंडेड मेम्ब्रेन में नहीं होगा फंक्शन क्या है इसका हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीज़न सेल डिवीज़न के दौरान क्या होता है ये हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर बनाने में टेंथ है हमारा प्लाज्मिड प्लाज्मिड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल अब प्लाज्मिन कहाँ होता है सिर्फ प्लांट सेल में होता है इट इज थ्री टाइप तीन टाइप के होते हैं क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्या है दीज आर ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन ग्रीन प्लांट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, सो इट इज ऑल नोन एज किचन ऑफ द सेल अब क्या है ये ग्रीन क्लोरोप्लास्ट क्या करता है ग्रीन पिगमेंट देता है ग्रीन प्लांट को फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो इसको क्या बोलते हैं किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसका क्या काम क्या होता है इट प्रोवाइड ग्रीन कलर टू प्लांट एंड टेक फोटोसिंथेसिस ये प्रोवाइड करता है ग्रीन ग्रीन कलर और फोटोसिंथेसिस के लिए क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड वेरियस कलर टू द प्लांट क्रोमोप्लास्ट क्या वेरियस जो पेटल्स में जो हमारे फूल होते हैं फ्लावर्स होते हैं उसमें कलर देने के लिए ये यूजफुल है प्रोवाइड वेरियस कलर प्लांट को मतलब बहुत सारे कलर देता है ल्यूको क्या होता है कलरलेस होता है ये इट स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च फैट एंड प्रोटीन ये खाना को क्या करता है स्टोर करके रखता है स्टार्च फैट और प्रोटीन के रूप में इलेवेंथ है हमारा वैक्यूल वैक्यूल क्या है दिस आर फ्लूड फील्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड या डेड ऑर्गेनल्स ऑफ सेल दीज आर फ्लूड फील्ड सिंगल मेम्बरेन वेक्यूल क्या खाली जगह है सिंगल मेम्बरेन क्या है डेड ऑर्गेनल ऑफ सेल उसमें होते हैं खाली एक पूरा वैक्यूल खाली है इन प्लांट सेल इट इज अ लार्ज इन साइज लार्ज इन साइज प्लांट सेल में क्या है लार्ज साइज का है बट एनिमल सेल इट इज स्माल इन साइज एनिमल सेल में क्या है स्मॉल है कम है फंक्शन क्या है इसका इट हैल्प दल रेगुलेशन क्या ऑस्मोल रेगुलेशन में क्या करता है ये हेल्प करता है इट स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट अब ये टॉक्सिक जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको भी स्टोर करके रखता है ये ट्वेल्थ हमारा न्यूक्लियस दिस द न्यूक्लियस इज स्पेरिकल सेंट्रली लोकेटेड इन मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल अब न्यूक्लियस कैसा है हमारा स्पेरिकल इन शेप है और कहाँ है सेंटर में पाया जाता है हमेशा सेल के सेंटर में काम क्या है इसका इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ़ द सेल सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल ये क्या काम करता है सारे जो एक्टिविटी हो रहा है सेल के आसपास उसको कंट्रोल करके रखता है इसलिए इसको कंट्रोल रूम भी कहते हैं सेल का क्या है ये कंट्रोल रूम है क्रोमेटिन ट्रांसमिट हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्क्रीम क्रोमेटिन क्या है ट्रांसमिट्स किसको हेरिडिटी करेक्टर को किस में करता है पेरेंट्स के ऑफ स्क्रीम ऑफ स्प्रिंग में करता है अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल प्लांट और एनिमल में डिफरेंस क्या है इट इज लार्ज इन साइज प्लांट सेल में क्या है लार्ज साइज है प्लांट सेल क्या है लार्ज साइज है इट इज़ जनरली स्मॉल इन साइज एनिमल सेल क्या है स्मॉल साइज है सेल वॉल प्रजेंट मेड ऑफ सेलुलज एंड चाइटीन अब सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है और बना किसका है सेलुलोज और चाइटिन का बना है साइटिन का और सेल वॉल एनिमल सेल में क्या है एबसेंट होता है प्लांट सेल में प्लाज्मिड क्या है प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में प्लाज्मिड एबसेंट होता है प्लांट सेल में सेंट्रोसोम क्या है एबसेंट है एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट है प्लांट सेल में वैक्यूल आर लार्ज इन साइज ये हमने पीछे भी पढ़ा था प्लांट सेल में क्या है वैक्यूल लार्ज इन साइज में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में वैक्यूल क्या है स्मॉल इन साइज में प्रेजेंट होता है आगे देखते हैं अब क्रोमोसोम क्या होता है अब क्रोमोसोम क्या है इट इज थ्रेट लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस क्या है ये थ्रेट मतलब धागे जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और कहाँ पे मिलता है ये न्यूक्लियस में पाया जाता है इट बिकम विजिबल ड्यूरिंग डिवीजन सेल डिवीजन ये कब दिखता है जब सेल का डिवीजन होता है जब दिखता है ये अब मतलब बहुत, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं इनके देख लेते हैं कि कैसे क्रोमोज़ोम होते हैं कितने नंबर ऑफ हो क्रोमोज़ोम होते हैं ये देखते हैं पिजन जो हमारा कबूतर है इसमें फोर्टी पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं चिमपेन्जी में ट्वेंटी फोर पेयर्स ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं कैट में नाइन्टीन पेयर्स और नाइनटीन पेयर्स ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं ऑनियन में एट पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं डॉग में थर्टी नाइन पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं ह्यूमन में ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं फ्रॉग में थर्टीन पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं पी में सेवन पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं हॉर्स में थर्टी टू पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं वीट में ट्वेंटी वन पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं टोमेटो में ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं और एसरीस एस्कार में वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है आगे न्यूक्लिक एसिड अब हम करेंगे न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन सेल न्यूक्लिक एसिड क्या है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सेल में पाया जाता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इट इज कंटेन स्पेशल जेनेटिक्स इंस्ट्रक्शन इज कॉडेड फॉर्म अब एक क्या है इसमें एक जेन स्पेशल जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होता है जो कोडेड फॉर्म में होता है न्यूक्लिक एसिड आर आर ऑफ टू काइंड्स दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं एक होता है डीएनए एक होता है आरएनए डीएनए मतलब डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आर एन ए है राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको अब एक एक करके पढ़ते हैं डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डी एन ए डी एन ए क्या होता है फेडरिक मैस्चर वॉज फर्स्ट हु आइसोलेटेड डी एन ए फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल तो फेडरिक फेरेड्रिक मैस्चर ने क्या किया था डी एन ए को पस सेल में पहली बार किया था वेस्टर्न और वॉटसन और क्रिक गिव द स्ट्रक्चरल मेड ऑफ डीएनए अब वॉटसन और क्रिक ने क्या किया था इसका डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था कि ये कैसा होता है फंक्शन पहला क्या है इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म पहला क्या है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में क्या है इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए सिंथेसिस डीएनए ही आरएनए को सिंथेसिस करता है जीन क्या होता है जीन इज अ अरिडेटरी यूनिट विच इज मेड बाय अ सेगमेंट ऑफ डीएनए फाउंड ऑन ऑन द क्रोमोजोम डीएनए एक हेरीडेटरी यूनिट है जो किससे बना है डीएनए के सेगमेंट से बना है जो किसको क्रोमोजोम को, को ढूंढने में मदद करता है राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए आरएनए एन इज सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड मेड ऑफ फोस्फेट राइबोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस यूरेसिल एडेनाइन ग्वानिन एंड साइटोसिन आरएनए क्या है एक सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड है जो किससे बना है फोस्फेट से राइबोस शुगर से नाइट्रोजन बेस यूरेसिल से एडेनाइन ग्वानिन और साइटोसिन से बना हुआ है कहाँ पे इट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस न्यूक्लियस में मिलता है और साइटोप्लाज्म में मिलता है आरएनए कितने तीन टाइप का होता है पहला मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए। तो पहला क्या है एमआरएनए मैसेंजर आरएनए इट ब्रिंग द मैसेज फ्रॉम डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इन द कोडेड फॉर्म। अब क्या करता है ये मैसेज ट्रांसफ़र करता है एम आर एन ए या मैसेंजर आर एन ए क्या करता है मैसेज को ट्रांसफर करता है राइबोसोमल आर एन ए प्रेजेंट इन राइबोसोम विच इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अब ये क्या करता है वहाँ पे प्रेजेंट होके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है ट्रांसफर आर एन ए इट इज द कैरियर ऑफ एमिनो एसिड एंड ट्रांसफर इट टू द राइबोसोम अब ये क्या करता है कैरियर है किसका अमीनो एसिड का और ट्रांसफर करता है राइबोसोम को फंक्शन क्या है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को सिंथेसिस करना इसका फंक्शन है अब है डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है शुगर इज डायऑक्सीराइबोस टाइप ये क्या है डायऑक्सीराइबोस टाइप है डीएनए क्या है डायऑक्सीराइबोस राइबोस टाइप है और इसमें शुगर कैसा है राइबोस टाइप है इट कंटेन द बेस एडिनिन थामिन एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन क्या है एडिन इसमें क्या है बेस क्या है एडिनिन है थाइमीन है साइटोसिन है और ग्वानिन है इट कंटेन यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थाइमीन आर एन ए में क्या है यूरेसिल के जगह पे थाइमीन आ जाता है इट इज डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ये डी एन ए क्या है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है इट इज सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आर एन ए क्या है सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है इट इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस कहाँ मिलता है ये न्यूक्लियस में इट इज फाउंड इन बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ये दोनों में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में मिलता है आर एन ए सेल साइकिल सेल साइकिल क्या होता है इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच सेल डुप्लीकेट्स इट जेनेटिक मटीरियल सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल एंड अल्टीमेटली डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल सेल साइकिल क्या है एक सेल डुप्लीकेट है जेनेटिक मटीरियल का सेल डुप्लीकेट होता है और क्या करता है ये अपने मतलब सिंथेसिस करता है सेल का सिंथेसिस होता है दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल में फिर आ जाता है सेल डिवीजन सेल डिवीज़न क्या है द प्रोसेस इन विच सेल इंक्रीज इन देयर नंबर इन सेल डिवीजन इसमें क्या होता है कि जो सेल का डिवीजन है वो क्या होता है इंक्रीज़ होता है सेल डिवीजन में इट इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए भी एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए भी सेल डिवीजन ज़रूरी है जैसे हमारा कहीं कट लग जाता है तो कुछ दिन बाद देखते हैं वो ठीक हो जाता है तो सेल डिवीजन की वजह से ही होता है क्योंकि सेल डिवाइड होके और वो ठीक हो जाता है देयर इज मेनली टू काइंड ऑफ सेल डिवीजन सेल डिवीजन दो टाइप का होता है माइटोसिस और मियोसिस पहला है माइटोसिस माइटोसिस में क्या होता है माइटोसिस सेल डिवीजन अक्कर इन सोमेटिक सेल विच टेक पार्ट इन ग्रोथ इन रिपेयर एंड डेवलपमेंट माइटोसिस सेल डिवीजन क्या है सोमेटिक सेल में है और क्या है किसमें ये पार्ट भाग लेता है ग्रोथ में और रिपेयर और डेवलपमेंट में भाग लेता है इन यूनिसेलुलर और ऑसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ये क्या है यूनिसेलुरल है और असेक्सुअल है इस टाइप के सेल डिवीजन के लिए सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस माइटोसिस का सिग्निफिकेंस आफ्टर माइटोसिस सेल डिविजन वन सेल डिड इन टू टू डॉटर सेल इन विच नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज इक्वल टू द पेरेंट सेल अब क्या है सेल डिविजन के बाद क्या होता है जो सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया तो क्या है क्रोमोजोम क्या है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है पेरेंट सेल के अनकंट्रोल्ड माइटोसिस में कॉजे ट्यूमर एंड कैंसरस ग्रोथ अब जो अनकंट्रोल मतलब जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता वो क्या हो जाता है वो बीमारी ट्यूमर में चेंज हो जाता है या कैंसर में चेंज हो जाता है मियोसिस मियोसिस सेल डिवीजन अक्कर इन रिप्रोडक्टिव सेल मियोसिस किस में सेल डिवीजन में हेल्प करता है रिप्रोडक्टिव सेल में दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड गैमेट किस में ये पार्ट लेता है हैप्लोइड गैमेट में हैप्लोइड गैमेट कौन से हैं एक है ओवा और एक है स्पॉम। इट इज ऑल्सो नोन एज और माइटोसिस किस में था अ और, और यूनिसेलुलर में सेकेंड है इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिविजन ड्यूरिंग विच ईच डॉटर सेल हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम अब इसको क्या बोलते हैं रिडक्शनल डिविजन भी बोलते हैं किसके दौरान डॉटर सेल के दौरान जब नंबर ऑफ़ क्या होते हैं डिवाइड हो रहे होते हैं जब फोर डॉटर सेल आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन माइटोटिक सेल डिविजन अब चार जो है डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए तो उसको क्या बोलेंगे वन माइटोटिक रिलेटेड कुछ टर्म देख लेते हैं कार्योकाइने Karyok डिवीज़न ऑफ़ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीज़न कॉल्ड कार्योकाई कार्यरोइनेसिस अब सेल सेल डिविज़न के दौरान क्या होता है कारियोकाइनिस होता है साइटोकाइनेसिस। डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं साइटोकाइनेसिस बोलते हैं डिप्लॉयड क्या है टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड डिप्लॉयड फाउंड इन सोमेटिक सेल अब दो जो कंप्लीट क्या है क्रोमोजोम डिवाइड हो गए हैं उसको क्या बोलते हैं डिप्लॉयड बोलते हैं कहाँ पे मिलता है ये सोमेटिक सेल में मिलता है हेप्लॉयड क्या है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम इज इन सेल इज कॉल्ड हैप्लॉयड सिंगल सेल क्रोमोजोम का सिंगल सेल कहाँ है सिंगल सेल में डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं हेप्लॉयड बोलते हैं ये कहाँ गैमेट में मिलता है क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड टेक प्लेस ट्यूरिंग न्योसिस सेल डिविजन इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग ओवर मतलब जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज दो सिस्टर क्रोमेटिक के बीच में क्या है एक्सचेंज को क्या बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम ए पेयर ऑफ क्रोमोजोम हैविंग सेम साइज एंड शेप बियरिंग कॉरस्पोंडिंग जीन क्या है सेम साइज़ और शेप के क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम बोलते हैं फिनोटाइप द करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिजम विच कैन बी सीन डायरेक्टली फिनोटाइप क्या होता है ऐसे करेक्टर जो हम साफ साफ उसको देख सकते हैं जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जो जेनेटिक है उसको क्या बोलेंगे जीनोटाइप बोलेंगे टोनोप्लास द मेम्बर सराउंडेड द वैक्यूल जो वैक्यूल के आसपास जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं टोनोप्लास बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन क्या होता है द बेसिक ट्राई ट्राई सिमिलर ट्राई सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन क्या है ट्राई सिमिलर स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का उसको क्या बोलेंगे यूनिट मेम्ब्रेन बोलेंगे ठीक है आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है